एक समय की बात है जब समीर, उसकी पत्नी सीमा और उनके बच्चे पिंकी और टिंकू गर्मी की छुट्टियों में पालन खेत घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। वो लोग पैकिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी समीर के भाई का फोन आ जाता है। समीर अपने भाई, भाभी और उनके बच्चों को भी चलने के लिए बोलता है, पर जाने से मना कर देता है। अरे भैया, वहाँ मत जाओ, वो तो बेकार जगह है, आप कोई पहाड़ों वाली जगह जाओ ना। मैं भी तेरी भाभी को वही बोल रहा हूँ, खैर देखते हैं वो मानती है या नहीं। समीर सीमा को काफी बोलता है कि कबीर वो जगह बेकार बता रहा है, पर सीमा जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार पर समीर को अपनी पत्नी सीमा की बात माननी ही पड़ती है और वो पालन खेत के लिए ट्रेन से निकल पड़ते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद जाकर रात के करीब 1 बजे वो लोग पालन खेत से रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। काफी रात हो चुकी होती है और पूरे स्टेशन पर एकदम सन्नाटा होता है। सब चल ही रहे होते हैं कि तभी समीर को पीछे से एक आवाज आती है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो। समीर इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो वापस आगे चलने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर से वही आवाज आती है। अरे बाबूजी, कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ खाने को तो दे जाओ। अरे भाई, कौन है यहाँ, सामने आओ। अरे क्या हुआ समीर? पता नहीं कौन बार बार मुझे आवाज दे रहा है, पर इधर उधर देखता हूँ तो यहाँ कोई भी नहीं दिखता। अरे आप इन सब पर ध्यान मत दो और चलो जल्दी यहाँ से। बस फिर सब होटल में जाकर सो जाते हैं। समीर लेटा लेटा अभी भी बस वही सोच रहा होता है, पर थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब सब उठते हैं तो समीर रात का वो किस्सा बिल्कुल भूल चुका होता है। सब लोग उठते हैं और बस तैयार होकर घूमने निकल पड़ते हैं। पूरा दिन घूमकर सबको बहुत तेज भूख लगने लगती है। अब तो एक कदम भी चलना हमारे बस की नहीं है, ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। आप जल्दी से कुछ खाने का ढूंढो। हाँ देखो ना, सामने ही वो ढाबा है, चलो वहीं चलते हैं, खुले में खाएंगे और आसपास इतनी हरियाली भी है। बस फिर सब लोग वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जैसे ही समीर पहला निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि तभी सामने पेड़ के पीछे उसे एक औरत की झलक दिखाई देती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं पर उसकी शक्ल अंधेरे के कारण दिख नहीं पा रही होती। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो। चुड़ैल दोनों हाथ आगे करके उससे बार बार खाने को मांगती है। समीर उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर उसके बाद वो सीमा और बच्चों की तरफ देखता है। सब लोग मजे से अपना खाना खा रहे होते हैं। अब समीर को समझ आने लगता है कि वो आवाज बस उसी को सुनाई देती है। समीर अब उस औरत के पास जाने की सोचता है। सीमा, मुझे अपना पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं जरा अभी थोड़ा टहल कर आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप टहलाओ, हम आपका यही इंतजार करेंगे। समीर वहाँ से उठकर उस पेड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ वो चुड़ैल छुपकर खड़ी होती है। धीरे धीरे वो वहाँ तक पहुँच जाता है। चुड़ैल पीछे मुँह करके खड़ी होती है। कौन हो तुम, कल से क्यों मेरा पीछा कर रही हो? मैं बहुत भूखी हूँ बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ पर पहले अपनी शक्ल दिखाओ, तुम उधर मुँह छुपा कर क्यों खड़ी हो? मुझे कुछ खाने को दे दो बाबूजी, मैं बहुत भूखी हूँ। ओफो, परेशान हो गया हूँ मैं ये सुन सुनकर, कल से तुम बस यही बोले जा रही हो। क्या तुमको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हें कुछ खाने को दे सके? समीर बार बार एक ही बात सुनकर इतना चिढ़ जाता है कि गुस्से में आकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखता है और उसको अपनी तरफ कर देता है। इतना करते ही वो दूर जा गिरता है और उसके मुँह से एक चीख निकलती है। उसके सामने एक भयानक शक्ल की चुड़ैल खड़ी होती है जो समीर की तरफ मुस्कुरा कर देख रही होती है और दोनों हाथ फैलाकर अभी भी उससे भीख मांग रही होती है। मुझे बहुत भूख लगी है बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो। समीर की चीख सुनकर इतने में वहाँ सीमा भी आ जाती है। समीर को नीचे पड़ा देख वो उससे पूछती है, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतनी बुरी तरह चीखे क्यों थे? वो क्या क्या हुआ तुमको? समीर सीमा की तरफ देख रहा होता है और उस चुड़ैल भिखारन की तरफ इशारा कर रहा होता है। सीमा बार बार उससे पूछती है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। फिर समीर खुद चुड़ैल की तरफ देखता है तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता। अरे वो कहाँ गायब हो गई? कौन गायब हो गई? क्या बोले जा रहे हो आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ शायद, चलो हम घर चलते हैं। सब लोग होटल वापस आ जाते हैं।
सीमा और बच्चे तो थक कर चूर हो चुके होते हैं और बिस्तर पर लेटते ही उनको गहरी नींद आ जाती है, पर समीर अभी भी उस चुड़ैल को नहीं भूल पा रहा होता। आखिर वो चुड़ैल भिखारन मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैं जब से शहर में आया हूँ तब से वो बस मुझे ही सुनाई दे रही है और मुझे ही दिखाई दे रही है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? खैर जो भी हो मुझे क्या, हम तो कल यहाँ से चले जाएंगे और वो चुड़ैल यही रह जाएगी। यही सोचकर समीर बेफिक्र होकर सो जाता है और अगले दिन अपनी बीवी बच्चों के साथ घर के लिए निकल पड़ता है। पहले वो लोग होटल से रेलवे स्टेशन तक की टैक्सी करते हैं। रात के करीब 11 बजे होते हैं और रास्ते में बिल्कुल अंधेरा होता है। टैक्सी चलते चलते अचानक एक सुनसान जगह रुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चेक करता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि टैक्सी में क्या गड़बड़ हुई है। अरे भाई साहब, आपको यहाँ से दूसरी टैक्सी लेनी होगी, ये टैक्सी तो खराब हो गई है। अरे अब हम इतनी रात में कैसे जाएंगे, हमारी 1 बजे की ट्रेन है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर जो है आपके सामने है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। उसे फिर से वो चुड़ैल भिखारन की आवाज आती है। समीर मुंडी घुमाकर देखता है तो वो वहीं सड़क के पार खड़ी होती है, जो हाथ फैलाकर अभी भी समीर से भीख मांग रही होती है। मुझे बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो ना, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। समीर अपना सर पकड़कर रोने लगता है। सीमा उसे देखकर परेशान हो जाती है। वो चुड़ैल भिखारन। कौन चुड़ैल भिखारन, कहाँ है? वो सड़क के उस पार देखो, वो खड़ी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या तुमको वो दिखाई नहीं दे रही? अरे जब वहाँ कोई होगा तभी तो दिखाई देगा। चलो वापस होटल चलते हैं। अरे पर हमारी ट्रेन। वो मैं देख लूंगा, हम ऐसे यहाँ से नहीं जा पाएंगे, अभी होटल चलते हैं बस। समीर वापस होटल चला जाता है और सबके सोने के बाद वो अकेला उस चुड़ैल भिखारन की तलाश में निकल पड़ता है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है पर अब वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। समीर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि तभी अचानक चुड़ैल उसके सामने पेड़ पर उल्टी लटकी हुई आ जाती है। समीर बिल्कुल डर जाता है। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और थोड़ी दूर पर दिखने लगती है। समीर उसे आवाज देता है पर चुड़ैल उसकी तरफ देखकर आगे जाने लगती है। अरे कहां जा रही हो, रुको, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो और क्यों वापस नहीं जाने दे रही। चुड़ैल हंसते हुए आगे बढ़ती है। समीर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। समीर उसे बहुत रोकता है पर वो नहीं रुकती। चलते चलते चुड़ैल एक जगह आकर रुक जाती है। वहाँ एक घर होता है जो बिल्कुल खंडहर बन चुका होता है। चुड़ैल उस घर का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। समीर भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। वहाँ चुड़ैल एक कमरे में चली जाती है। समीर भी उसके पीछे जाता है तो उस कमरे में एक कंकाल पड़ा होता है। उसको देखकर समीर के एकदम होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में एक फोटो लगी होती है जिसमें बिल्कुल हूबहू उसके जैसी शक्ल का आदमी होता है और उसके साथ एक औरत खड़ी होती है। अब आया कुछ याद? ये तो कबीर की फोटो है, ये यहाँ कैसे, और ये औरत कौन है? ये मैं हूँ और ये तुम्हारा भाई। जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम कबीर हो, पर फिर जब मैंने तुम्हारी बीवी की बातें सुनी तब समझ आया कि तुम कबीर नहीं बल्कि कबीर के जुड़वा भाई हो। कबीर की वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुमको ये सच बताना चाहती थी। पर उसने किया क्या? वो कुछ साल पहले यहाँ रहने आया था। मैं बहुत गरीब थी और भीख मांगा करती थी। मेरी शक्ल सूरत देखकर उसने मुझे बहका दिया, फिर वो मुझे यहाँ ले आया। फिर वो कभी कभी मुझसे मिलने आया करता था, पर फिर एक दिन मैंने उसके पर्स में उसके बीवी बच्चे की फोटो देखी तो मुझे पता लगा वो तो शादीशुदा है। मैं उससे बहुत लड़ी और पुलिस में जाने लगी, पर फिर उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया और हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। मैं यहाँ अकेली बंद पड़े पड़े भूख से मर गई। समीर अब सब समझ गया था। उसे उस चुड़ैल के लिए बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा किया है, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं दिलवाऊंगा। चुड़ैल भिखारन समीर की बात पर यकीन कर लेती है और समीर को जाने देती है। समीर अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो अपने भाई कबीर को उसी जगह लेकर जाता है और उस चुड़ैल के सामने उसको खूब मारता है। मारो इसको, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मार डालो इसको। इसे तो मैं जेल में दूंगा, मुझे शर्म आ रही है कि ये मेरा सगा भाई है। उसके बाद समीर कबीर को पुलिस में दे देता है और उसे उसके किए की सजा दिलवाता है।
कबीर सालों साल जेल में रहता है, तब जाकर चुड़ैल को तसल्ली होती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है।